कैंट पुलिस ने कूट रचित दस्तावेज के आधार पर रजिस्ट्री करने वाले एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया है, जिसके संबंध में कैंट थाना प्रभारी शशिभूषण राय ने बताया कि मुखबिर की सूचना पर एक अभियुक्त को रोडवेज बस स्टैंड के पास से गिरफ्तार किया गया है, जिसकी पहचान राजेंद्र प्रसाद पुत्र शिवपूजन निवासी मिर्जापुर टोला उमरपुर थाना चिलवाताल जनपद गोरखपुर के रूप में हुई है। कैंट थाना प्रभारी ने बताया कि वादिनी कमला कुमारी पत्नी सतीश कुमार निवासी मोती पोखरा बसारतपुर मकान नंबर 148 साकिन मोहल्ला गुलेरिया थाना पिपराय जनपद गोरखपुर के द्वारा 8 फरवरी सन 2000 को जगजीत व शिव पूजन द्वारा उनका संपूर्ण हक व हिस्सा क्रय कर लिया गया था। जगजीत की 1989 में मृत्यु होने के बाद यह जानते हुए कि शिव पूजन के द्वारा 2000 में अपना संपूर्ण हक व हिस्सा कमला के पक्ष में बैनामा कर चुके हैं, यह जानकारी होने के बावजूद विक्रेता के वारिसों ने कूट रचित दस्तावेज तैयार कर अपना नाम बतौर वारिस दर्ज करा लिया तथा सोची समझी साजिश के तहत राजेंद्र पुत्र स्वर्गीय शिव पूजन द्वारा 4 जून 2021 को दर्ज कराए गए वारिसगढ़ रामकृपाल मुन्नालाल व विजय कुमार पुत्र स्वर्गीय जगजीत व योगेंद्र रविंद्र पुत्र स्वर्गीय शिव पूजन व शीला देवी पत्नी इंद्राशन निवासी मिर्जापुर टोला उमरपुर तहसील सदर जिला गोरखपुर से सोची समझी साजिश के तहत अपने अन्य भाइयों से पिता व चाचा के द्वारा पूर्व में बेची गई जमीन का बैनामा अपने पक्ष में गवाहन अरुण सिंह पुत्र मनोरंजन सिंह व आर्यन पुत्र मजनू की मौजूदगी में रजिस्ट्री बैनामा करा लिया था। जब इसकी जानकारी बाद में कमला कुमारी को हुई तो उसने तहसील में प्रार्थना पत्र देकर उनका नाम निरस्त कराया गया है, जिसके संबंध में कमला कुमारी द्वारा 23 अप्रैल को कैंट थाने में मुकदमा पंजीकृत कराया गया, जिसको देखते हुए अभियुक्त राजेंद्र प्रसाद को गिरफ्तार कर लिया गया तथा अभियुक्त ने अपना जुर्म स्वीकार करते हुए माफी मांगा, जिसको जेल भेज दिया गया। गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम में कैंट थाना प्रभारी शशिभूषण राय, उप निरीक्षक चंदन खरवार, कांस्टेबल राजीव यादव, मृदुल कांत सिंह, रोहित यादव शामिल रहे। धीरे धीरे